Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the goods and service tax. Some practical questions will be solving, and this will be in the examination for 15 marks. So aapko levy and collection of GST ke upar ek question aa sakta hai, और उसके ऊपर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. यूजुअली दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दो में से आपको एक सॉल्व करना है. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, उसके ऊपर एक वीडियो बनाना. सो मैंने वो वीडियो अभी बनाया है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स का आने वाला है वो काफ़ी इजी होगा. लेकिन वो क्वेश्चंस किस तरीके से होगा, जैसे अभी मैंने इस पूरे क्वेश्चन में इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स डाले, बट आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स को मिक्स होके क्वेश्चन आएगा, तो इसीलिए आपको एग्जेम्पशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे नोटिफिकेशन 12/2017 के बेस पे. तो इस क्वेश्चन में कुछ टैक्सेबल पॉइंट्स भी है, कुछ नॉन टैक्सेबल पॉइंट्स भी है. तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट्स टैक्सेबल है, कौन से पॉइंट नॉन टैक्सेबल है, और आपको सिर्फ यही करना है, पॉइंट में से बाइफरकेट करना है वेदर इट इज़ टैक्सेबल और वेदर इट इज़ नॉन टैक्सेबल. और बाद में आपको क्या करना है, जो टैक्सेबल पॉइंट्स थे उन सबको टोटल करना है, और फिर उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करना है जैसे आपको रेट क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट. पहला पॉइंट है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग. तो कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ. देखो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है. अगर आपके बेसिस पे क्वेश्चन में पूछा गया कि रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, कॉरपोरेट हाउस, तो याद रखना आपको कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए अगर लेट आउट किया होगा तो इट्स टैक्सेबल, रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए लेट आउट किया होगा तो इट इज़ नॉन टैक्सेबल. जैसे अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फैक्ट्री बिल्डिंग 45,000, तो ये क्या बन जाएगा, टैक्सेबल. फिर रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, देखो रेसिडेंशियल हाउस के जगह पे अगर कॉरपोरेट आया तो वो टैक्सेबल है, रेसिडेंशियल आया तो वो नॉन टैक्सेबल है. फिर रेंट फॉर हॉस्टल ऑफ वर्किंग वुमेन, तो रेंट फॉर हॉस्टल ऑफ वर्किंग वुमेन इज ऑल्सो टैक्सेबल. ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन के लिए कुछ एग्जेम्पशंस है, इट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल. वेकेंट लैंड यूज फॉर एनिमल हस्बेंड्री, तो आपको याद रखना है तीन चीज़ें बताता हूँ. नंबर वन एनिमल हस्बेंड्री, नंबर सेकंड हॉर्टिकल्चर, नंबर थर्ड फ्लोरिकल्चर. अगर ये तीन पॉइंट्स आपको कहीं पे भी पेपर में मिले तो दैट इज़ नॉन टैक्सेबल. तो वेकेंट लैंड यूज़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री आ सकता है, वेकेंट लैंड यूज़ फॉर हॉर्टिकल्चर, वेकेंट लैंड यूज़ फॉर फ्लोरिकल्चर, ये तीन चीज़ें आ सकती है. तीनों पे कोई भी टैक्स नहीं है तो ये भी नॉन टैक्सेबल है, ये ऊपर वाला टैक्सेबल है. नेक्स्ट पॉइंट में आते पॉइंट नंबर फाइव, लैंड यूज फॉर एग्जीबिशन. तो लैंड हमने एग्जीबिशन के लिए यूज़ किया, एग्जीबिशन कमर्शियल एक्टिविटी हो गया तो इट इज़ टैक्सेबल. बिल्डिंग लेट आउट टू आरबीआई, आरबीआई को बिल्डिंग हमने लेट आउट किया, इट इज़ ऑल्सो कमर्शियल एक्टिविटी, तो ये भी हो जाएगा टैक्सेबल. बिल्डिंग लेट आउट फॉर कॉरपोरेट ऑफिस, अमाउंट दिए मैंने 1 lakh, बट अमाउंट से ज़्यादा हमको पॉइंट समझना है. बिल्डिंग लेट आउट टू कॉरपोरेट ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस को बिल्डिंग लेट आउट किया तो वो भी टैक्सेबल. बिल्डिंग लेट आउट टू स्कूल, इंपॉर्टेंट, अगर हम बिल्डिंग स्कूल को लेट आउट करेंगे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लेट आउट करेंगे तो नॉन टैक्सेबल. लेकिन अगर हमने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जैसे कोचिंग क्लासेस के लिए बिल्डिंग लेट आउट किया तो वो टैक्सेबल बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज होटल रूम डिक्लेयर टैरिफ 1200 पर डे, टोटल रूम्स आर 100 एंड टोटल डेज इज 150. तो आपको याद रखना है होटल रूम डिक्लेयर टैरिफ, देखो 1200 दिए, आपको लिमिट याद रखना है. अगर होटल का टैरिफ 1000 से ऊपर रहा तो टैक्सेबल, 1000 से नीचे की अमाउंट आई तो इट इज़ नॉन टैक्सेबल. आई रिपीट अगेन, होटल का अगर टैरिफ मतलब होटल के चार्जेस जो है वो 1000 या फिर उसके ऊपर रहे तो वो टैक्सेबल बन जाएगा, 1000 से नीचे के अमाउंट आए तो वो नॉन टैक्सेबल बन जाएगा. तो अब ये कैसे कैलकुलेट करना है हमको, ये टैक्सेबल बन गया तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 150 करना है. 1200 पर डे का चार्ज है, टोटल रूम्स उनके पास 100 है और टोटल नंबर ऑफ डेज है 150. सो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, मल्टीप्लाइड बाय 150 करना है, जो अमाउंट आएगा वो हमारा टैक्सेबल होगा बिकॉज ये जो अमाउंट है वो 1000 से ऊपर है. तो 1000 से ऊपर वाली अमाउंट रहेगी तो वो टैक्सेबल बन जाएगा. नेक्स्ट इज बिल्डिंग लोकेटेड एट जम्मू, तो जम्मू में बिल्डिंग अगर लोकेट किया तो भी वो टैक्सेबल है. पहले ऐसे एग्जेम्पशंस मिलते थे सर्विस टैक्स के टाइम, लेकिन अभी यहाँ पे भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा. बिल्डिंग लोकेटेड एट जम्मू इज़ टैक्सेबल. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं
वेकेंट लैंड यूज फॉर हॉर्टिकल्चर, देखो मैंने आपको तीन वर्ड बताए थे, एक है एनिमल हस्बेंड्री, सेकेंड है हॉर्टिकल्चर, थर्ड है फ्लोरिकल्चर। तो अगर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री आया तो नॉन टैक्सेबल, तो ये बन जाएगा नॉन टैक्सेबल। फिर रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ सैलरी, तो वो जीएसटी में नहीं आएगा, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल। सो जैसे ही हमने डायरेक्ट टैक्सेस में सेक्शंस थे, तो सेक्शन 1017 डेली अलाउंसेस ऑफ एमपी और एमएलए, तो वो वाले पॉइंट यहाँ पे कवर हो सकते हैं, तो इट इज़ नॉन टैक्सेबल। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सैलरी, तो ये भी नॉन टैक्सेबल। तो ये दोनों लास्ट के तीन पॉइंट 11, 12 और 13 तीनों के तीनों नॉन टैक्सेबल है। अभी आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड जीएसटी पेबल एट द रेट 18%। मतलब आपको टैक्सेबल सर्विसेज का वैल्यू ढूंढना था, जैसे ये 13 पॉइंट्स है वैसे आपके पेपर में 12 टू 13 पॉइंट्स, लेकिन मिक्सचर हेड्स के आएंगे, वो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पहले हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी देखा, इसमें आपने देखा होगा कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको रेंटिंग, बिल्डिंग, इसी बेस पर मिल रहे, बिकॉज इट्स द हेड रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। Then we will cover financial services also and we will have a combined question of financial services also. तो अभी आपको इसको present कैसे करना है, हमने तो सिर्फ discuss किया कि कौन सा point taxable है, कौन सा point exempt है, तो how to present this, तो मैंने format आपको बता तो अभी GST का rate दिया है यहाँ पे 18%, तो कभी भी याद रखना rate जो भी दिया है उसको आप आधा आधा divide कर लेना, CGST और SGST, पहले CGST और फिर आएगा SGST। CGST कितना परसेंट लेंगे हम, 9%, और SGST कितना परसेंट लेंगे हम, 9%। तो दोनों 9% आपको डिवाइड करना है अकॉर्डिंगली, किसका 9% लेना है बताता हूँ। देखो ऐसा फॉर्मेट है, काफ़ी इजी फॉर्मेट है, भले वो पॉइंट टैक्सेबल है भले वो पॉइंट नॉन टैक्सेबल है, आपको हर एक पॉइंट को प्रेजेंट करना है, बिकॉज हर एक पॉइंट के लिए मार्क्स मिलेगा आपको, 1-1 मार्क्स फॉर 1-1 पॉइंट। तो जैसे 12 पॉइंट्स आए तो 12 पॉइंट्स के लिए 12 मार्क्स मिलेंगे, और लास्ट में जो आप टोटल करोगे और जो कैलकुलेट करोगे जीएसटी, उसके लिए आपको 3-4 मार्क्स मिलेंगे, डिपेंड करता है, तो 15 मार्क्स आ जाए। सो हर एक पॉइंट के लिए मार्क्स है, तो कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक हाथ पॉइंट भी रॉन्ग हो गया तो भी आपको जितने पॉइंट्स राइट है उसके पोस्टिंग के मार्क्स तो मिलेंगे। सो आपको अभी फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था वो यहाँ लिखना है, फर्स्ट पॉइंट को मैंने पॉइंट लिखा नहीं है, फर्स्ट पॉइंट को पर्टिकुलर्स में लिखना है, और उसकी जो अमाउंट है उसको अमाउंट को देखना है कि वो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल। अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल के कॉलम में लिखना है, अगर नॉन टैक्सेबल है तो नॉन टैक्सेबल के कॉलम में लिखना है। और फिर जैसे ही आप सारे पॉइंट्स लिख दोगे फिर आपको टोटल करना है, टोटल कौन से कॉलम का करना है, सिर्फ टैक्सेबल कॉलम का ही टोटल करना है, नॉन टैक्सेबल की टोटल का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो टैक्सेबल का आप जब टोटल करोगे तब उसको नाम हम देंगे टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। सो बाय एडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ टैक्सेबल कॉलम वी विल गेट द आंसर एज टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर जो टोटल है वो टोटल आपको देखनी है, समझो ये टोटल 1 लाख आई, तो आपको क्या करना है, ये जो टोटल है 1 लाख, 1 लाख का 9% ढूंढना है, 1 लाख का 9% अगर हम ढूंढे तो 9000 आएगा, और CGST 9000 और SGST भी 9000 आ जाएगा। मतलब 18% जीएसटी दिया था तो 18% को आधा आधा डिवाइड करना है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9%, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 9%। अगर 12% दिया तो 6-6% बांटना है, 5% दिया तो 2.5-2.5 बांटना है, और इस बेस पे हमको डिवाइड करना है। और फिर 9+9 कितना होता है 18, तो इसके टोटल को भी नीचे लिखना है टोटल जीएसटी पेएबल, दैट इज 18,000। तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट, वी हैव टू प्रिपेयर पर्टिकुलर्स टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल कॉलम, एंड वी हैव टू राइट एवरी पॉइंट्स एंड अकॉर्डिंगली, वेदर द पॉइंट इज टैक्सेबल राइट इन द टैक्सेबल कॉलम, वेदर द पॉइंट इज एग्जेम्प्ट राइट इन द नॉन टैक्सेबल कॉलम। तो एग्जेम्प्ट के लिए हमने नॉन टैक्सेबल का कॉलम बनाया है, और आपको हर पॉइंट के लिए मार्क्स मिलेगा भले वो पॉइंट टैक्सेबल रहे या नॉन टैक्सेबल रहे। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में 15 मार्क्स के आने के चांसेस है, और ये क्वेश्चन को बोला जाएगा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। टू क्वेश्चन विल बी आस्क, अल्टरनेटिव ऑप्शन यू आर हैविंग फॉर 15 मार्क्स, एंड फ्रॉम दिस टू क्वेश्चन विच एवर क्वेश्चन इज कंफर्टेबल फॉर यू ऑल, जो आपको ईजी लगता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले लेसन में हम डालेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज का एक वीडियो डालूंगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी थोड़ा उसमें रिवाइज कर लेंगे, तो दो हेड्स हो जाएगा। दैट्स इट, दिस वाज द लेसन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, तो मैं ऐसे लेसन डालते रहता हूँ सो दैट आपको सेमेस्टर 6 में जो भी बेसिक्स है वो कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो और आपको अच्छे परसेंटेज मिल पाए। बाय बाय, टिल देन ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।